अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कुकिंग सिनेरियो ईद स्पेशल में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, आसान और यूनिक स्टाइल में केचप, और वो भी घर पर और वो भी कमर्शियल स्टाइल में। जी तो, बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चे हर खाने के साथ समोसे हों, पकौड़े हों, रोल हों, उनमें केचप को बहुत पसंद करते हैं, केचप इस्तेमाल करते हैं। तो आप परेशान होना बंद करें और घर पर ही बैठकर केचप बनाएं, वो भी बहुत ही मज़ेदार और कमर्शियल स्टाइल में। और आप इसको 3 साल से ज़्यादा अरसा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जी, अब मैंने इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 किलो टमाटर ले लिए हैं। टमाटरों के ऊपर अगर ग्रीन कलर का बना हो तो ये इसका निशानी होती है कि फार्मी होते हैं। आप किसी भी किस्म के टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने टमाटरों को इस तरह 4 हिस्सों में काट लेना है। मेरे टमाटर बहुत ही मज़ेदार लाल टमाटर मिल गए थे मुझे, बहुत ही फ्रेश। और आजकल टमाटर सस्ते हुए हैं तो मैंने सोचा कि ईद भी आ रही ही है तो केचप बनाई जाए। इसकी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने टमाटरों को 4 हिस्सों में काट लेना है। आपने पहले टमाटरों को धो लेना है अच्छे से और फिर इसको काटना है। मैंने टमाटरों को धो लिया था और ऊपर से ग्रीन वाला जो पार्ट है मैंने रिमूव कर दिया था। अब आपने कुकर में जो है वो टमाटरों को शिफ्ट कर देना है और उसमें 1/2 किलो पानी ले लेना है। इससे ये होगा कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा फाइन केचप बिल्कुल बाजारी स्टाइल में तैयार हो जाएगा, जो बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें। सिरका मैंने 1/2 कप ले लिया है, वो भी शामिल कर दें इसमें। चार से पांच अदद लहसुन के जवे ले लिए मैंने, वो भी शामिल कर दें इसमें। अब कुकर को मैंने ढक दिया है और विसल लगा दी है। आपने इसको हाई फ्लेम पर रख देना है। जैसे ही विसल बजे आपने कुकर की आंच बिल्कुल मीडियम कर देनी है और 8 मिनट तक इसको लगातार मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही विसल बजेगी आपने इसकी हाई फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और 8 मिनट तक इसको पकाते रहना है। जैसे मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है सारे स्टेप्स, तो आपकी केचप बिल्कुल कमर्शियल बनेगी। एक टिप मैं यहाँ बताती चलूँ कि जैसे ही आपने 8 मिनट के बाद जो है वो आँच बंद करनी है तो आपने इसको फौरन नहीं खोल लेना, बल्कि आपने विसल भी नहीं उतारनी, इसको स्टीम में रहने देना है। 10 मिनट बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है। जी देखिए, ये मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अभी टमाटर हमने प्रेशर कुकर से उठाए ही हैं और खुशबू बहुत ही मज़ेदार, इसका ढक्कन उठाया ही है प्रेशर कुकर का कि हमें खुशबू आने लग गई है केचप की। अब आपने टमाटर हमारे ठंडे हो गए हैं तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। कोशिश करें कि जब ठंडे हो जाएं तभी ग्राइंड करें, वरना आपका हाथ जल सकता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके आप इसको ग्राइंड कर लें तो आपके अच्छे तरीके से जो है टमाटर ग्राइंड हो जाएंगे। बहुत ही लजीज केचप तैयार होने जा रहा है, आई एम मोर एक्साइटिंग। जी, अब हमारा ये ग्राइंड होता जा रहा है और हम साथ ही साथ इसको अलग से बड़े बर्तन में हमने इसको स्टेन कर लिया है।
ताकि इसका तमाम फाइबर जो है वो रिमूव हो जाए, बिल्कुल सेपरेट हो जाए। देखिए आप देख रहे हैं जैसे मेरे सारे सीड्स टोमेटो के बिल्कुल अलग हो गए हैं और हमारा फाइन सा केचप जो है वो स्टेन हो गया है बिल्कुल। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, आप इसको बहुत आराम से घर में बना सकते हैं आसानी से। इसकी फ्लेम अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और मीडियम फ्लेम पर रख दिया है इसको, थोड़े से इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, देख रहे हैं आप। जब इसमें बबल्स आने लग जाएं तो आपने 300 ग्राम जो है वो इसमें चीनी शामिल कर देनी है इस मिक्सचर में। मेरे 3 किलो टमाटर हैं तो 1 किलो टमाटर में 100 ग्राम चीनी लगेगी, तो आपने यही क्वांटिटी फॉलो करनी है इंग्रेडिएंट्स की। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप डबल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली इंग्रेडिएंट्स के जी। अब हम इसमें रेड चिली, क्रश्ड रेड चिलीज ऐड कर रहे हैं 1.5 टीस्पून। ये आपकी केचप को बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी सा टेस्ट देगी और इसका टेस्ट इन्हेंस करेगी। आप इसमें पाउडर भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मुझे अद कटहल मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं इसलिए मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। लगातार आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपका केचप नीचे लगना जाए। आसानी से हमारा केचप तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है जी। अब हमने ये देखे हैं उबाला आ गया है केचप को और इसमें अब हम सोडियम बेंजोएट ऐड कर रहे हैं। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, इसकी यही क्वांटिटी जो है वो ऐड करनी है आपने अपने केचप में 1/2 टीस्पून। इससे ज़्यादा या कम आपने शामिल नहीं करनी। आप अगर ज़्यादा टमाटरों की केचप बना रहे हैं तो आप इसको डबल कर सकते हैं क्वांटिटी को, आपने बिल्कुल इसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा नहीं करना बल्कि क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसको लेना है। CMC पाउडर 1 टीस्पून लेना है, ये भी बहुत आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल है। ये देखिए बिल्कुल 1 टीस्पून लेवल करके ये केमिकल्स ऐड करने से आपकी केचप जो है वो ज़्यादा अरसे तक स्टोर रह सकती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसमें बिल्कुल बाज़ार वाली केचप का टेस्ट आएगा और आपके बच्चे भी आराम से इसको खा लेंगे। अब आपने कलर में पानी शामिल करके इसको मिक्सचर बना लेना है और फिर ऐड करना है कलर में, ये मेरी टिप है। जब हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि केचप लगना जाए। अब मैंने दूसरी तरफ ब्लेंडर में 1/2 किलो पानी ले लिया है और उसमें 1 टीस्पून जैंथम गम शामिल कर दी है। ये भी आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, ये आपकी केचप को गाढ़ा बनाएगा और बिल्कुल कमर्शियल बनाएगा। ब्लेंडर में मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये देखें बिल्कुल ये ऐसे होगी कि आपके बिल्कुल थिक थिक सी होगी ये गम, ये आपके केचप को गाढ़ा करेगी। कॉर्नफ्लोर या आपने कोई और ऐसी चीज़ नहीं डालनी कि जिससे केचप गाढ़ा हो जाए, उससे आपका केचप ख़राब हो जाता है जल्दी से, उससे केचप की वो लुक नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता। बस आपने ये ऐड करना है, उतना ऐड करना है। अब मैं शामिल कर रही हूँ केचप के अंदर, ये आपने ग्रेजुअली ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर केचप कंसिस्टेंसी, जैसे आपकी केचप को ज़रूरत है जितनी थिकनेस की आपने उस हिसाब से इसको शामिल करना है और लगातार हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से शामिल हो जाए, हल हो जाए इसमें। और आपने इकट्ठा सारा नहीं डाल देना इस गम को, काफ़ी थिक थिक सी होगी ये, आपको केचप को आपकी केचप को बहुत गाढ़ा कर देगी। देखिए मेरी केचप को थोड़ी सी और ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और वो ये शामिल कर दिया है। बिल्कुल ग्रेजुअली हमने इसमें ऐड किया ये गम। ये देखिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। मेरे केचप को इतनी ही गम की ज़रूरत थी तो मैंने बस इतनी ही डाली है क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद गाढ़ा हो जाता है।
जाए केचप तो आपने साफ पॉट ले लेना है, एयर टाइट बॉटल ले लें या तो आप कोई जार ले लें। मैंने ये ले लिया है, डब्बा एयर टाइट है, तो साफ कर लिया। आप इसमें ठंडा करके अपना केचप स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। और बहुत ही शानदार, आसान और मज़ेदार केचप हमारा तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।